नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। फ्रेंड्स, AIBPRC जिसे ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन ने एक पत्र 8 मई को श्री विवेक जोशी DFS के सेक्रेटरी को लिखा। सब्जेक्ट था इन्हांसमेंट ऑफ द सीलिंग ऑफ ग्रेच्युटी ऑन अकाउंट ऑफ द डियरनेस अलाउंसेज राइजिंग बाई 50% ऑफ द बेसिक पे। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ने इस आधार पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए जो ग्रेचुटी की सेलिंग 20 लाख थी उसको बढ़ा के 25 लाख किया था और इस संबंध में एक लेटर भी मिनिस्ट्री लेबर मिनिस्ट्री द्वारा जारी किया गया था। इस बारे में इन्होंने DFS से लिखा, इन्हांसमेंट ऑफ द सीलिंग ऑफ ग्रेचुटी ऑन अकाउंट ऑफ द डियरनेस अलाउंस राइजिंग बाई 50% ऑफ द बेसिक पे। वी लर्न फ्रॉम ऑफिस सर्कुलर नंबर डेटेड 13 अप्रैल 2024 इशूड बाई एडिशनल सेंट्रल PF कमिश्नर HR दैट द मैक्सिमम लिमिट ऑफ द रिटायरमेंट ग्रेचुटी एंड डेथ ग्रेचुटी शैल बी इंक्रीज बाई 25% टू ₹25 लाख फ्रॉम एग्जिस्टिंग ₹20 लाख ऑन अकाउंट ऑफ द रिविजन ऑफ DA टू सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लाइज टू 50% ऑफ द बेसिक पे विथ इफेक्ट फ्रॉम 1st January 2024। Now for reimbursement of the upwardly revised ceiling of gratuity in other sectors like government undertaking and the private sector, central government is required to make a notification only in terms of an amendment to the Gratuity Act brought in force on the from 29th March 18, unlike in the past requiring amendment to the Act. In view of what has been told above, we make an earnest request your good self to kindly order for the issuance of the notification for implementation of the upward ceiling of gratuity to the banking sector with effect from 1st January 2024. पहले भी जब सीलिंग 20 लाख हुई थी तो उसमें भी कंट्रोवर्सी हुई थी। गवर्नमेंट का डेट और था, और यानी कि जनवरी 16 था जबकि 1/1/16 जबकि बैंक्स में ये लागू जाके मार्च 18 में हुआ। तो AIBPRC का ये कदम उचित है जो अभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रिटायरी एसोसिएशन की बजाय हमारे जो रेगुलर यूनियंस मेंबर हैं UOBO को चाहिए कि इस मैटर को टेकअप करें, क्योंकि बैंकों में भी सेलिंग लिमिट बढ़ा के 25 लाख किया जाए तो हमारे ऐसे बहुत से साथी हैं जो इसमें कवर होंगे और उनको फायदा होगा। और ये बात तुरंत करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर एक बार पिछड़ गए, जैसे कि बैंक में पहले पिछड़ गए हैं और मुकदमे चल रहे हैं और जिसका कोई निस्तारण या कोई डिस्पोजल नहीं है और केवल मुकदमे में मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन हमारे बहुत से ऐसे साथी हैं जो जनवरी 16 से लेके मार्च 18 के बीच के हैं, उनको इसके लाभ नहीं मिला। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्ते।